तो आज मैं आप लोगों को कराता हूँ अयूब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स और ग्राउंड्स का टूर। ये है हमारे हॉस्टल्स का मेन गेट, जिस पे एंटर होके आप थोड़ा सा आगे चल के आप आएंगे जीरो पॉइंट पे। और ये आएगा जीरो पॉइंट, जिसके बाद आपके सामने चारों के चारों हॉस्टल्स होंगे, हैबर हॉस्टल, अयूब खान हॉस्टल, कायदे आजम हॉस्टल और अलामा इकबाल हॉस्टल। और ये जो दरमियान में आपको दिख रहा है, ये है जीरो पॉइंट। चाहे आपने किसी अयूबियन को बुलाना हो, किसी मैच के लिए बुलाना हो, कहीं बैठना हो या कहीं भी जाना हो, आप उसे कहेंगे जीरो पॉइंट पे आ जाओ, या आपने खुशी मनानी हो तो वो इस तरह। तो फिर आइए चलते हैं पहले रूम की तरफ। दिस इज रूम 549। वालेकुम सलाम अतलविजन। इस रूम को मैंने इंस्टाग्राम उस पे देखा बहुत था, लेकिन अंदर से मैं पहली दफा देख रहा हूँ। आपका ये रूम हमने देखा भाईजान, लाइक इट्स आई वुड से इट्स द बेस्ट रूम इन अयूब। और ये तो आपने किस तरह सेट किया वगैरह, मतलब आपके फाइनल ईयर के वो भी थे, फाइनल ईयर के रोटेशंस एंड ऑल दीस थिंग्स। और ये मैंने इस तरह सेट किया था कि जब आया था ऑफिस बहुत गंदा था, बहुत गंदा रूम था। फिर ये बंदा है, ठीक है, ही वाज सपोज्ड टू बी विद मी, मगर अभी बेचारा नहीं है। मगर फिर भी जो सारी मेहनत है ना, ये और ये तो लाइक वी प्लान्ड टुगेदर। और इसने फिर और बिलाल ने, बिलाल हसन जो है मेरी क्लास का, उन दोनों ने सारी पेंटिंग की। और क्या कह रहे हैं, फिर मैंने लाइट्स वगैरह सारे लगाए। और ये चीज़ तो खैर मैंने उसके लिए लगाई, ऊपर नहीं है, एक्सरसाइज के लिए। ओके ओके। और एक दो पिक्चर्स हैं, ये भी मैंने लिए थे, मगर आई डिडंट गेट अ चांस टू पुट देम ऑन द वॉल, क्योंकि हर। और अब हम इनसे कुछ सुनेंगे। इस पीस का नाम है रिवर फ्लोज इन यू। अभी मैं आपको ले चलता हूँ खुबैब भाई के रूम की तरफ। दिस फ्रंट वॉल एंड ये हमारे पास स्टडी टेबल हो गया, और ये मैट्रेस, और ये कबर्ड हो गई, एंड ये आपका डोर। तो लाइक इट्स अ स्मॉल रूम, वन सीट रूम है एक इंसान के लिए। एंड ये उनकी खिड़की बहुत ही प्यारी जगह पे खुलती है। हमारे हॉस्टल का जो इंटीरियर है, जो अंदर से हमारा हॉस्टल है। और दूसरी बात यह है कि खुबैब भाई के रूम में आपको हर तरफ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स नजर आएंगी, ये देखें। और वो चूंकि खुद अभी कॉलेज में है नहीं, उनके प्रेप्स है, तो मैं उनके रूम की कीज लेके आया हूँ ताकि आप लोग को ये रूम मैं दिखा सकूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसे रूम दिया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप क्रिएटिव है तो आप अपने रूम को साफ करके इसी तरह की चीजें लगा सकते हैं। और अगर आप उसको गंदा रखना चाहें तो ऑप्शन भी आपके पास है। सो लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, हॉस्टल के इसमें कोई कसूर नहीं। अगर आप इसको साफ रखना चाहते हैं, इसी तरह प्यारा रखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप इसको गंदा रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये है रूम 204 जो है, जो कि हमारे अमानत खटक भाईजान का, और इन्होंने अपना रूम काफी सेट किया हुआ है। मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। तो ये है इनकी फ्रंट वॉल,
और ये स्टडी टेबल, और ये मैट्रेस, ये कबर्ड, और ये शेल्फ और इसमें किताबें वगैरह, और ये शीशा जिसमें सुबह तैयार होते हैं, और ये बाकी सारी चीजें। और मुझे इनकी रोटेटिंग चेयर बहुत ज्यादा पसंद थी, इनको मैंने कहा भी था लेकिन इन्होंने किसी और को दे दी है। चला ये आप वही मिलेगी, मैं मतलब मैंने उनको कहा है कि मतलब एक रोटेटिंग चेयर मैंने मेरे दूसरे दोस्त के पास भी है, तो वही हमने उसको कहा है, तो उसने कहा है कि ये आपके जूनियर को दे। हाँ ना, क्योंकि इसमें आप जरा रिलैक्स करें, इसमें इंसान जब तक जाए इसमें आप जरा रिलैक्स करें, इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मतलब आप हर 30 मिनट के बाद से 2-3 मिनट का ब्रेक लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये है हमारे फाइनल ईयर के भाईजान, और ये है इनका रूम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया इनका शेल्फ जिसमें बुक्स वगैरह पड़े हुए हैं और स्पीकर्स एंड एवरीथिंग, और ये हो गई स्टडी टेबल। जो मेन चीजें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाईजान खाने पीने के शौकीन है हमारी तरह, और बाकी कॉस्मेटिक्स वगैरह चीजें। तो मैं इस रूम के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ भाईजान को कि अभी भाईजान को सिर्फ एक बीवी की कमी है, बाकी खाने पीने और सब चीजें यहाँ पे पूरी है। सिर्फ अगर उसका इंतजाम हो जाए, क्योंकि बाकी रूम में ओवन पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लाइक कोई भी चीज इस तरह नहीं है। तो कैसे भाईजान आपने मतलब कैसे सेट किया? लोग बस साल गुजार लेते हैं और चले जाते हैं फिर। असल में इस तरह होता है ना कि ये तो 2007 वाला ग्रेजुएट था, उसमें उसके बाद किसी ने इसकी पेंटिंग की ही नहीं थी ना। मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं उसको डेकोर इसलिए करता हूँ, मुझे खुद पे डेकोर का शौक है, और इसके इंसान रिलैक्स रहता है, सुकून में रहता है, घर की याद कम से कम नहीं आती। तो मैं मेरा घर में भी जो रूम है वो भी इसी तरह मैंने डेकोर किया हुआ है, जो मेरे रूम से ज़्यादा अभी गेस्ट रूम बन चुका है क्योंकि वो डेकोर ज़्यादा हुआ है। अच्छा, तो हम भी इधर कभी कभी अपनी चीजें गर्म करने आ जाते हैं। और सीनियर भाईजान के रूम में जाने के वीडियो तो वीडियो बन जाती है, उसके अलावा ये मजे भी होते हैं आपके लिए। सो दिस इज रूम 472, और ये रूम है मिस्टर खुरम का, जो बैठे हुए पढ़ रहे हैं। पेपर खत्म हो गए। लोगों के पेपर इनके चल रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे कुछ टाइम लिया है ताकि मैं इनका रूम आपको दिखा सकूं। और ये 2-सीटर रूम है, और इन्होंने अपने लिए फ्रिज एंड कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, चाय वगैरह, क्योंकि अगर जिंदगी में चाय ना हो तो आप MBBS नहीं कर सकते, आपको चाय पीनी पड़ती है। और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये है कि इनकी जो विंडो है वो खुलती है हमारे, हमारा जो बाहर ग्राउंड है उसमें खुलती है, तो लाइक आपका दिल वैसे खुश हो जाता है जब आप यहाँ पे बैठते हैं। और ये 2-सीटर है तो इसमें 2 कबर्ड है हर एक के लिए है, और कबर्ड भी हम अंदर से देख लेते हैं। सो दिस इज अ कबर्ड, लाइक उसमें आप सब कुछ अपना रख सकते हैं, शूज एंड एवरीथिंग, और एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। ऊपर एक आपके लिए स्टोरेज स्पेस भी होती है, और दिस इज स्टडी टेबल, और बाकी चीज़ें द मिरर जिसमें सुबह तैयार होते हैं, और बस दिस इज इट। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने शुरू से पढ़ा नहीं था, शुरू से नहीं पढ़ा होता तो फिर तो क्या हालत होती है, फिर हालत टाइट होती है, पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन पढ़ना पढ़ना पड़ता है, और MBBS से नफरत होती है, इसी वजह से MBBS में नहीं आना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेस में। हर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे एक मेस है उस हॉस्टल के लड़कों के लिए,
बाहर से भी हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन चूंकि मेस में हमारा खाना बहुत बजट का होता है तो इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स महीने में बहुत दफ़ा मेस को प्रेफर करते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रही है ये बिल्डिंग, इसमें हमारा जिम भी होगा, कैफ़े भी होगी और अलॉन्ग विद इट और भी चीज़ें होंगी इसमें, और ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पहुंचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि हम नहीं, जब चरगान यहाँ पे पहुंचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये तैयार हो चुका होगा। देख लो ये जगह। और हमारे हॉस्टल की एक और मजे की बात ये है कि ये है हमारे हॉस्टल्स और ये सीधा हमारा हॉस्पिटल, दो कदम में आप हॉस्टल से हॉस्पिटल। कॉलेज की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है यहाँ पे, एक साल मेरा गुजर गया है, हम जब बाहर निकलते हैं ग्राउंड में आते हैं असर के टाइम या वैसे ही बाहर टहलते हैं तो लाइक जब साइडों पे देखते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी होती है, हमारे साथ जो साइड पे पहाड़ है उधर पे और ग्रीनरी होती है तो इंसान का दिल वैसे ही खुश हो जाता है यहाँ पे कुछ। ओके सो ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है और मेरे सामने हमारा फुटबॉल ग्राउंड है और उस साइड पे है हमारा हॉकी ग्राउंड, और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए हमने बहुत कहा हुआ है तो सर कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट स्पोर्ट्स लीग से पहले बन जाएगा, देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। ये है हमारा क्रिकेट पवेलियन। और ये मेरे सामने जो रोड है साइड पे, इसका कोई नाम नहीं था, कैड कॉलेज में हमारी एक रोड थी उसका बड़ा प्यारा नाम रखा था हमने, आशिकी रोड, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस जगह का नाम भी वही रखें और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस जगह का नाम इंशाल्लाह हमने वही रख दिया होगा। ये है हमारा हॉकी ग्राउंड, लेकिन चूँकि प्रॉफ चल रहे हैं तो कोई कुछ भी नहीं खेल रहा तो इसकी हालत फ़िलहाल ऐसी है। जेंटलमैन, दिस इज़ द आशिकी रोड। हम कैड कॉलेज वाला नाम यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे, हमारे 5 सालों के इख्तिताम में इसका नाम हमने तब्दील कर लिया होगा, वरना देख लीजिएगा।